हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये है मेरे पास एक 3 या 4 साल पुरानी चाइनीज़ बाइक विच हैज़ गॉट अ 100 इंजन। इंजन स्टार्ट इससे होता है एंड पेट्रोल है, ये 2 स्ट्रोक है, 50 cc है। ये बेचने वाला हूँ, मैंने खरीदी थी मेरे बेटे के लिए जब वो काफ़ी छोटा था, लेकिन अभी आप हाइट देख रहे हो और उसकी खुद की हीरो एट्रिया है। सो आई एम गोना सेल दिस ऑफ, बट बिफोर आई सेल ऑफ इसके कुछ इश्यूज़ है जो मैंने रिजॉल्व किए हैं और कुछ हैं और जो और करने हैं जो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो इसको एग्जॉस्ट मैंने कस्टम बनवाया है बिकॉज इसका जो स्टॉक एग्जॉस्ट आता था वो बहुत 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 आवाज़ करता था, दैट डिड नॉट हैव एनी चेम्बर्स एक्सेट्रा इनसाइड। तो ये मैंने शकील भाई के पास से बनवा लिया था, जो अपने इंटरनेशनल एग्जॉस्ट सिस्टम जो कोंडवा में है, शकील भाई, उन्होंने मेरे को इसके लिए बना के दिया था। काफ़ी क्यूट सा है एंड इट लुक्स मच बेटर ऑल्सो इन दिस ऑन दिस बाइक, तो थैंक्स टू शकील भाई फॉर दैट। बाकी इसका पार्ट्स, बिट्स, ब्रेक पैड्स वगैरह सब ओरिजिनल है, क्योंकि अब तक कुछ गाड़ी चली नहीं है, मुश्किल से गाड़ी 15 किलोमीटर चली रहेगी, बिकॉज जब भी बेटा चलाता था वो इस कंपाउंड में चलाता था, 2-3 राउंड मारता था एंड उसने मुश्किल से 6-7 बार चलाई रहेगी, तो हार्डली 10-15 किलोमीटर्स इसका ओडो हुआ रहेगा, मैक्स 25। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे रस्टिंग वगैरह है, बट दिस इज़ नॉन फंक्शनल, ये सिर्फ स्प्रिंग एक्शन है, इसमें ऑयल कुछ नहीं है, सो रस्ट एक्चुअली डजेंट मैटर। टायर्स में हवा काफ़ी है, हवा भरनी पड़ती है, इट इज़ नॉट एयरलेस, हवा भरनी पड़ती है इसमें, आगे पीछे दोनों में हवा भरनी पड़ती है। सो ये रहा दूसरा इसका पड़े, यहाँ पे एक फ्यूल कॉक था जिसको एक रबर का पैकिंग आता था, वो ख़राब हो गया पड़े, सो आई हैड टू थ्रो दैट ऑफ और इसको सील कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे अभी ये कॉक यहाँ से फंक्शन नहीं करता है, उसके बदले आई बॉट अ सनी जिप का, बजाज की जो सनी जिप आती थी उसका कॉक, फ्यूल कॉक ख़रीदा है, वो यहाँ पे डाल दिया है मैंने, और उसके पाइप्स जो है यहाँ से इंटरनली ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं, एक को सील कर दिया है, टेम्परेरी सील किया है, बट इसको परमानेंट सील भी कर देंगे बहुत जल्द। ये काम करता है कि नहीं सिर्फ पहले वो चेक करना था, तो ये सील कर देंगे इसको, यहाँ से एक पट्टी बना के नो एक स्ट्रेंथ ऐसे एक ब्रैकेट बना के इसको ऊपर लगा दिया एंड बाइक चलती है। अभी इशू सिर्फ इतना है कि कार्बोरेटर में शायद कचरा है जो अभी हम क्लीन करेंगे। अभी कार्बोरेटर को क्लीन कैसे करना है, यू हैव टू रिमूव दिस फिल्टर फर्स्ट, ये स्टॉक फिल्टर है, ये फ़िल्टर निकालना है, उसके बाद यहाँ से 2 बोल्ट्स हैं, ये 2 बोल्ट निकालने हैं, केबल थ्रॉटल की लूज़ करनी है, जो पेट्रोल सप्लाई की पाइप है वो निकालनी है, पूरा कार्बोरेटर बाहर आ जाएगा, देन यू कैन क्लीन इट एंड यू कैन पुट इट बैक। शॉर्टकट में करना है तो ये स्क्रू खोल दो दोनों साइड से, नीचे निकाल दो, उसकी जो नीचे की डब्बी है, नीचे की वाटी है वो निकल आएगी एंड देन यू कैन क्लीन दैट। प्लग यहाँ पे, जो कि मैं लास्ट टाइम ऑलरेडी क्लीन कर चुका हूँ, सो अभी नहीं करूँगा मैं, इसमें बैटरी वगैरह कुछ नहीं आती है, 1.5 लीटर का फ्यूल टैंक है जिसमें यू हैव टू ऐड 30 ml ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन ऑयल, 2 स्ट्रोक पेट्रोल ऑयल, जो पेट्रोल में डालती है वो ऑयल एंड ऑफ कोर्स पेट्रोल, एंड देन द बाइक कैन स्टार्ट। कार्बोरेटर इज नाउ कम्प्लीटली आउट एंड इसमें से ऑलरेडी पेट्रोल गिर रहा है, मतलब पेट्रोल था, जस्ट क्लीन इट एंड पुट इट बैक। सो द फ्लोट पिन एंड ऑल सब कुछ अंदर काफ़ी साफ है, कुछ मेजर ऐसे कचरा या फिर गंदगी वगैरह नहीं है, एवरीथिंग लुक्ड क्लीन। तो फिर से असेंबल कर रहा हूँ कार्बोरेटर, अभी सब कुछ वन बाय वन, ये गई अपनी पिन्स और बाकी फ्लोर तो इसका सेपरेट है, एयर का ये थोड़ा सा एक बार उसको साफ़ कर देता हूँ और असेंबल करता हूँ। ऑलमोस्ट डन विद द इंस्टॉलेशन ऑफ कार्बोरेटर, आई मीन पुटिंग इट बैक इन इट्स प्लेस, एक्सीलेटर केबल एक्सेट्रा एवरीथिंग हैज़ बीन पुट इन प्लेस, टाइम टू पुट द एयर फिल्टर एंड देन टर्न द कॉक ऑन एंड स्टार्ट द बाइक। सो डैड फिक्स द बाइक एंड नाउ माई कजिन इज गोइंग टू राइड इट, I'll start the bike and then I'll take some clips of him. Again, air ne hala na.
ऑयल ज़्यादा हो गया उसमें, दैट्स वाई इट इज स्मोकिंग टू मच, मेरे को पेट्रोल डालना पड़ेगा थोड़ा। इट इज़ अगेन शट डाउन, पता नहीं क्या हो गया एंड इट इज़ नॉट स्टार्टिंग। देयर इज़ इनफ फ्यूल सप्लाई आई गेस। आई शॉर्टन द पाइप अगेन, आई थॉट एंड एक्चुअली वी डू सी दैट द पेट्रोल इज़ कमिंग फ्रॉम द टॉप पाइप अप टू द कॉक, बट आफ्टर द कॉक इट इज़ नॉट फ्लोइंग इन डाउन। So we're adding some more fuel to create some more pressure from top, and let's see if that works. Half liter to hai isme. So